राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जिसे कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही कोई उनका उनको सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कहता है तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और इससे सिद्ध है कि ये भी नाशवान है, अविनाशी परमात्मा कोई और है। अब हमने ये सिद्ध देखना पड़ेगा गीता जी हमें क्या ज्ञान देती है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में कहा कि जो मेरी मुझ ब्रह्म का ओम एक इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसको उच्चारण करके सुमन करता हुआ आखिरी श्वास तक मरते दम तक जो भजन करता हुआ श्री छोड़कर जाता है ओम नाम का जाप करता हुआ, तो वो ओम नाम से राहत मिलने वाली उस गति को प्राप्त होता है। ओम नाम के जाप किसका है, ये ब्रह्म का है। ब्रह्म का पुजारी ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके वापस मृतलोक में 84 लाख योनियों में भ्रमते भटकते हैं। इसे सिद्ध है कि ओम नाम के जाप से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, और आप जी ने इस ओम नाम के जाप के आधार से साधना करने वालों के को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, कितनी इनकी दुर्गति हुई, इनको इसलिए घटिया साधना किया। कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इन तीनों गुणों के उपासकों त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी की पूजा करने वालों को बताया कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते। पुण्यात्माओं ये कड़वे कैप्सूल है, ये कुनीन है जो आप जी को खिलानी अति आवश्यक होगी, और इसको अनाड़ी व्यक्ति अनजान जो नहीं समझते हमारे ज्ञान को यूं कहते हैं जो पहले परमात्मा कबीर जी के बारे में धारणा रखा करते थे इन अज्ञानी संतों के कारण कि कबीर जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बताता है, ये अपराधी है, इसके विचार भी मत सुनना, और ऐसा करने में वो लोग उस समय सफल हो गए वो अज्ञानी ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु। लेकिन आज इनकी दाल गलक होनी, क्योंकि आज समाज शिक्षित है और आंखों देख सकते हैं प्रमाण को, इसलिए ये कुनीन समाज में अब हजम हो रही है, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि लाखों की संख्या में पुण्यात्मा इस ज्ञान को समझकर अपना उद्धार करा रहे हैं। पवित्र हिंदू धर्म में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा के चाहने वालों के घर सब के रखी हुई है, और ये दास तो इसमें दिखाता है कि ऐसा लिखा है
और पुराण भी सबके घर में रखी हुई है। वेद तो नहीं रहे थे हमारे घरों में, क्योंकि हमने वेदों का नाम नाम सुना था, सकल नहीं देखी थी। हम केवल गीता जी और पुराणों पर आश्रित होकर के और उनके बाद अज्ञानियों के द्वारा वेदों और गीता और पुराणों को भी ना समझने के कारण इन अनाड़ी गुरुओं ने हमें लोक वेद पर आश्रित कर दिया था। वेदों से हटकर, गीता से हटकर ज्ञान और साधना हमें बता बता कर हमारे को नरक का गामी बना दिया था। तो परमात्मा कहते हैं पीछे हमें उदाहरण देते हैं, आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झांझनकारा आप नचाप देखना, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊं। आप ही दास बने, हमें समझाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये दुर्गति हो रही है, तुम्हारे साथ ऐसी बात बन रही है। जैसे ये दास पहले, ये दास रामपाल दास पहले हनुमान जी का पुजारी था और बाबा श्याम जी की पूजा, श्री कृष्ण विष्णु जी को अपना इष्ट रूप में पूजता था और यही ज्ञान अंदर समाया हुआ था। ये अदरो अमर है, सबके मालिक हैं। यही विष्णु जी तीन रूप धारण करता है, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सृष्टि करता है, विष्णु जी के रूप में ये सबका पालन करता है और शिव जी के रूप में संहार कर देता है। विष्णु पुराण शिव पुराण पढ़ा करके शिव जी ऐसे करता है। चल हमारी बुद्धि स्लिप थी, हमारी बुद्धि का स्विच ऑफ कर दिया था काल ने, हम घना नहीं सोच पाए थे, पढ़ पढ़ लिया करते थे। ये लोक वेद था जो पुराणों और गीता जी से हटकर हमें ज्ञान सुनाया गया था। गीता वेद पुराणों में लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। श्रीमद देवी भागवत तीसरा स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर कहा है, विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। शंकर भगवान खुद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों दुर्गा जी आपके पुत्र है और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही जी ने हमें तम गुण सदगुण रजगुण बनाया है, उत्पन्न किया है। अपने आत्मा आप जी को ये पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता जी का थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे, क्योंकि जितनी बार ये ज्ञान सुने उतना ही अच्छा होता है। अभी आपको इसलिए ये उदाहरण दिया है कि हम गीता जी का डेली पाठ किया करते थे, केवल संस्कृत पढ़ा करते और कुछ बेरा नहीं था इसका अर्थ किए और फिर भी पढ़ा करते थे, क्योंकि हमने चाह थी भगवान की, हमने चाह थी आत्म कल्याण की। इसी प्रकार इस ज्ञान को जितनी बार हम सुने, ज्ञान यज्ञ का फल जानकर सुने और रुचि से सुने, हृदय में गद गद हो और ये हो के भगवान देख सच्चाई के थी, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे थे और हमें इनके बार इनके आड़ में इनका उदाहरण दे करके हमें के सुनाया जा करता था। अर्जुन तू के लेकर आया था, तेरा क्या जाता है, तू तो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तू क्यों चिंता करता है। यह कोई बात थी क्या, इतनी बात लिख रखी है गीता जी में? गीता जी में तो ऐसा करीम दर रखा है, ऐसी मलाई लिख रखी है, पर मलाई को बिगाड़ दी, रेते में गिर दी, ठा गए, उल्टे अनुवाद कर डाले। अब इसमें करीम निकाली है, अब इसका मक्खन बनाया है इस दास ने सदग्रंथों का मंथन करके, ये सदग्रंथ यानी पुस्तक बनाई है पर इन सदग्रंथों के आधार से। अब आपको ये प्रसंग हल करने के लिए कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में अपनी साधना को गीता ज्ञान दाता ने अनुतमाम बताया है। ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को तो गणा लता रखा है और कहते हैं ये मूर्ख मेरी साधना भी ना करते ब्रह्म की, और अपनी को कहते हैं मेरी साधना करने वाले भी चार प्रकार के, आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अपने जो चार प्रकार, क्योंकि जैसे आरत क्या होते हैं, आरत का अर्थ है जो संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करते हैं,
तो वो जो ब्रह्म के उपासक वेदों अनुसार साधना करते हैं, ये अन्य कोई किसी भी ग्रंथ से वो कोई मंत्र नहीं लेते, ना इस तरह की आरती करते, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इस तरह के वो कोई भी श्लोक या कविता नहीं गाते। जो ब्रह्म उपासक है वो केवल वेदों अनुसार वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं। वो भी चार प्रकार के हैं, एक तो आर्त, ये वेदों के मंत्रों द्वारा ही अपने संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्र उच्चारण करके अनुष्ठान किया करते हैं, और दूसरे अर्थार्थी यानी धन लाभ करने के लिए यानी अपने धन वृद्धि बनाने के लिए करने के लिए भी वेदों के मंत्रों के द्वारा ही ये धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जो घर से निकले परमात्मा की चाह में और उनको मिल गए आगे वो घिसे पिटे गुरु, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बताने वाले, वो जिज्ञासु परमात्मा के पाने के लिए निकला था, दस पांच जैसे गुरु संत मिले, उनसे जो ज्ञान खिचड़ी ग्रहण किया, आप गुरु बन बैठा, वक्ता बन गया, वो भी रिजेक्टेड किया गीता ज्ञानदाता ने, वो भी ठीक नहीं, ये केवल संकट निवारण के लिए ही जो लगे रहते हैं ये भी ठीक नहीं, और धन प्राप्ति के लिए ही जो अनुष्ठानों में अपना जीवन खो देते हैं वो भी ठीक नहीं। धन प्राप्ति में कैसे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, पहले भी दास ने उदाहरण दिया था लेकिन उसमें गलती से गौतम ऋषि कह दिया था, वो गौतम ऋषि नहीं थे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उसने सारे जीवन में वेदों अनुसार अनुष्ठान करके उसने अपना एक धन प्राप्ति के लिए एक सिद्धि प्राप्त की, मंत्र ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया। एक बार राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि सातवें दिन तुझे ये तक्षक सांप डसेगा, तक्षक सांप इन सर्पों का राजा है पृथ्वी वालों का, और उसके डस जाने के बाद जीवित नहीं रह सकता, इतना विष है। तो तक्षक ने डसना था, उधर से कश्यप को यह पता था कि मैंने एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया है कि मैं राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा, इस मंत्र से उसका विष उतार दूंगा और मैं गणाय धन लेकर ले प्राप्त करूंगा। इस उद्देश्य से चल पड़ा, रस्ते में तक्षक सर्प एक मनुष्य रूप धार के खड़ा था, उसने कहा ऋषि जी कहाँ जा रहे हो, कारण बताया कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, राजा मर जाएगा, मेरे पास ऐसा मंत्र है उसको मैं जीवित करूंगा और मैं घनाए धन लेकर वापस आ जाऊंगा। अब तक्षक ने कहा, सर्प ने, कि मैं तक्षक हूं और तू मुझे इसकी परीक्षा दे तेरे मंत्र की, जब मान लूं और जो धन तू राजा से लेना चाहता वो धन मैं दे दूंगा तुझे, तू वहां ना जा। कैसे बोला, नहीं, तू क्या धन देगा, राजा गणा देगा मुझे। तो तक्षक ने कहा कि मैं इस सामने वाले पेड़ को अपने डंक मारूंगा और ये जल के नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही किया, सर्प रूप धारण किया, एक सामने पेड़ था उसको डंक मार दिया, एकदम आग लगी उसमें और धड़ाम देसी नीचे गिर गया, खत्म हो गया। अब उस कश्यप ऋषि ने वो वृक्ष की वो टहनी उठाई जो जली हुई थी राख सी, मंत्र बोल दिया, जो का तो हरा पेड़ खड़ा कर दिया। अब तक्षक ने सोचा या तो बात बिगड़ेगी, तक्षक ने कहा तो ऋषि जी आप वहां ना जाओ, मेरे को ऋषि ने श्राप दे दिया है, मैं तक्षक मैं नहीं डसूंगा और वो मरया नहीं तो वो ऋषि मुझे श्राप दे देगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी, अब आप जो धन चाहिए मेरे से ले लो। अब कश्यप ऋषि माना नहीं, फिर उसने सोचा कि मैं ये तो देख लूं अपनी दिव्य दृष्टि से
कि राजा परीक्षित की आगे आयु शेष है या नहीं। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि राजा परीक्षित की आयु शेष नहीं है और सातवें दिन उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, उसके बाद शेष नहीं, आयु शेष नहीं है। तब कश्यप ने सोचा बात बिगड़ेगी, परीक्षित को मैं जीवित नहीं कर सकूंगा, मेरी बेइज्जती होएगी, पैसा मिले नहीं। तो उसने उड़े सौदा कर लिया, वहीं पर सौदा कर लिया उस तक्षक सर्प से कि मुझे दे दे धन जो तू देना चाहता है। अब दे दिए हीरे मोती सोना चांदी के लिए बांध ले जा गिठड़ी। ऋषि जी गेर कपकड़ पर आ गया उल्टा। अब शर्म मारेगा उस धन ने, जो करना चाहिए थे वह भक्ति मोक्ष की, वो तो इनका आसपास भी कोई ना। तो पुण्यात्माओं इसलिए इनको भी रिजेक्ट किया है कि ये हैं तो ब्रह्म पुजारी, ब्रह्म वेदों की साधना करने से वाले ब्रह्म की पूजा मानते हैं, और सभी ये कहते हैं हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं और पूजा हम नहीं करते। और चौथे ज्ञानी बताए हैं, ज्ञानी वो बताए हैं जिनको ये पता लगा सत्संग के माध्यम से, संतों के विचारों से, सदग्रंथों के विचारों से कि मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि कल्याण करवा ले, पीछा छुटवा ले। और मानव कल्याण के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की ही साधना करनी चाहिए, अन्य देवताओं की पूजा करना मूर्खता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी की साधना करने वाले, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते, गीता ज्ञानदाता कहता है, वो ब्रह्म कहता है। तो इन वेदों के जानने वालों को और ज्ञानी आत्माओं को ये पता हो जाता है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से मोक्ष होगा। लेकिन उन्होंने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। अब इन्होंने इस ओम नाम के जाप को और उस परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का। इसलिए उन्होंने ये विवेक हुआ कि पूर्ण परमात्मा एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। इन्होंने ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, ओम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मंत्र मान लिया और उसी के आधार से जाप करके अपना मोक्ष समझ लिया। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी ही। अपुण्यात्माओं वेदों की जानकारी न तो ब्रह्मा जी को, न विष्णु जी को और न शिव जी को, इन ऋषियों को तो होगी कहां से। अब ब्रह्मा जी इन सब के ज्ञान दाता माने जाते हैं, वेदों के सबसे बड़े विद्वान ज्ञाता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी को वेदों का कैखा कैखा का भी पता नहीं, ना विष्णु जी को वेदों का ज्ञान, ना सतयुग के ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान। पुण्यात्माओं ये शब्द बोल देना जो दास बोल रहा है, ये आप जी के लिए जो जिन्होंने ये ज्ञान कभी सुना नहीं, प्रथम बार सुनेंगे किसी भी माध्यम से, वीडियो सीडी के माध्यम से या यहाँ सत्संग में किसी के द्वारा आ जाता है, भक्त भाई बहन किसी की प्रार्थना पे आओ, सत्संग सुन के आओ,
तो पहली बार सुनेगा से लगेगा कि संत मेंटल है और ये क्यों बकवाद कर रहा है। बता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी और इनको भी ज्ञान नहीं था, वेदों का दुर्गा को भी ज्ञान नहीं था। गुणात्माओं ये सच्ची बात है, ये सत्य है, और इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए सैकड़ों प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे और वो अति अनिवार्य है इस टॉपिक के सामने। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी आत्माओं का ऊपर, फिर ज्ञानी आत्माओं की क्या दुरुक्ति होगी वो अभी आपको दिखाएंगे। इससे पहले ये दिखा दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेदों का ज्ञान नहीं, और सतयुग के ब्राह्मण उसके बाद तो कुछ ना कुछ जो है ना घटती आई है ये ज्ञान गति, वो आपको बताते हैं थोड़ा सा। इसके लिए श्रीमद् देवी भागवत एक सुफिशेंट प्रमाण है। इस ये पुराण हमें सिरोधार्य था, आज भी है पवित्र हिंदू धर्म को, और जो इसमें लिखा वो हमें मानने भी है। लेकिन आज तक हमें जो दंत कथा सुनाई गई वो भी पुराणों में भी नहीं है, इनके विपरीत ज्ञान सुना रखे थे। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, लोक वेद में के सुना था ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा कहते हैं रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले ये अनुपासना किया करते थे, विष्णु जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, जय जय राम सीता राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, जो भी मंत्र सुना उससे गिरियल बना दिया करते, उसने गोट डालते। ये लोक वेद था, ओम नमः शिवाय, ये लोक वेद था, दंत कथा थी, यथार्थ मंत्र नहीं थे। परमात्मा जी कहते हैं कि हम पहले आप जी ऐसे दंत कथा पर इस भक्ति मार्ग पर जा रहे थे, रस्ते में तत्व ज्ञान रूपी दीपक सतगुरु ने दे दिया, उसकी रोशनी में अब आप सही चल रहे हो। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च जो आपको अंधेरे में अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होने देगा। ये इसलिए आपको ये टॉर्च बार बार दिखाना पड़ता है। अपुण्यात्माओं ये सदग्रंथ रह रहकर आपको इसलिए सार्वजनिक किए जा रहे हैं, यदि ये रोशनी सदग्रंथों रूपी टॉर्च को लालटेन को आपको नहीं दिखाया जाएगा तो भगत समाज इस दास के साथ बहुत ही जो है विद्रोह करेगा, विवाद करता है। और जब ये टॉर्च दिखा दी जाएगी, ये लालटेन दिखा देंगे तो इसकी रोशनी में इस दास से कोई टकराव को नहीं। एक अंधा रात्रि में ब्लाइंड मैन लालटेन लिए जा रहा था जगा के जलती हुई, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए शोर मचाते हुए। उस वृद्ध अंधे व्यक्ति ने कहा कि बेटा देखना मैं अंधा हूं, जरा बच के जाना, ध्यान से चलना बेटा मैं अंधा हूं। आवाज भी लगा रहा, लालटेन भी ले रहा। तो उन बच्चों ने चारों तरफ घूम गए उसके चारों तरफ अंधे व्यक्ति के, और कहा बाबा क्या सच आप सचमुच अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखा, बच्चों ने पूछा लालटेन किस लिए ले रखी है, आपको दिखता नहीं? अंधे ने कहा तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े की देह तोड़ दो। इस रोशनी में तुम मेरे से बचकर चले जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए लालटेन है, मेरे कोई काम की को ना। तो पुण्यात्माओं ये सदग्रंथ, ये जो अपने सदग्रंथ है पवित्र वेद पवित्र पुराण पवित्र गीता जी, इस दास को जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो सूक्ष्म वेद मिल गया, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी हमारे पास है। ये तो आप जी आंखों वालों के लिए है, कहीं मेरे साथ ना खसोरी न शिक्षित वर्ग ये आंखों वाला हो गया, इस दास के साथ विवाद ना करें, किसी के भरमा भरमाए ना भरमाए। इसलिए ये दास आपको ये सदग्रंथ रूपी लालटेन रह रह के दिखानी पड़ती है।
ताकि आप साइड पकड़ जाओ, या तो शरण हो लोगे मेरे पीछे पीछे, ना फिर बकवाद करने जगह को नहीं आपको कि रामपाल झूठ बोल रहा है या निंदा करता है। यदि इस ज्ञान को सुन लेंगे, ये शब्द आपकी जुबान पर नहीं आ पाओगे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंदवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे, इसके 28 पृष्ठ पे प्रथम सकंद में, पहला सकंद, यहां नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी पूछ रहे, नारद जी से व्यास जी, राइटर ऑफ द देवी पुराण, राइटर ऑफ चारों वेद, ये पूछ रहा नारद जी से, और नारद जी उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि ने किया था, मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। अब गणाना पटकाम इतना पढ़े, विष्णु तो पूछा था, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी को ब्रह्मा जी ने बताया था, जगत गुरु एवं देवताओं के देव ही देवता हैं। विष्णु जी को जगत गुरु, ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं और कह रहे हैं, मान रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता श्री पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी बोले, फिर ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं, परंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष नियुक्त अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी यानी दुर्गा है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों धारण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी दुर्गा के अधीन होकर मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करना करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आज्ञा तोड़ ये निष्कर्ष निकल गया
श्री विष्णु जी के ज्ञान का। विष्णु जी को जगत गुरु बता रहे हैं, नारद जी, व्यास जी और ब्रह्मा जी, यानी सब सबको ज्ञान देने वाला। और वो जगत गुरु क्या कह रहा है, तपस्या कर रहा था और तपस्या कहता इसलिए करता हूं कि बैटरी चार्ज करता हूं, जो बैटरी चार्ज करता तब करके सिद्धि आ जाती है। और राक्षसों को मारता है, लड़ता है, जब डिस्चार्ज हो जाती है फिर तब करके आता है और कहता मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान के बारे में नहीं जानता, ये सुप्रीम पावर है, कोई देवता नहीं, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ओए होए, अब दुर्गा क्या फरमाती है ये सुनिएगा, इस 562 पृष्ठ पे दुर्गा क्या फरमाती है। यह है 7वां स्कंध श्रीमद देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। हिमालय को देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बताया। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, पहले तो अपने बारे में बताए हैं। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब हम ज्यादा ना लेकर के ये के कहे है, सो में उन उपनिषदों में कथित महान अस्तरूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावनागत भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर बेधन करो। अक्षर अक्षर ब्रह्म कह रही है इसको, और यहां भी इसने अक्षर ब्रह्म कहा है। वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की प्रजा के ज्ञान से परे, वह किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, तुम जानो। वह परम प्रकाश रूप सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म और जिसमें संपूर्ण लोक है, उन लोकों में निवास करने वाले प्राण इसमें स्थित है, वह अक्षर ब्रह्म है, या इसने अक्षर ब्रह्म कहा। ब्रह्म ने यहां बिजली पड़ रही थी और इस अक्षर ब्रह्म का अक्षर माने अविनाशी परमात्मा कह रही है, या उस अक्षर पुरुष से लिंक नहीं है, अविनाशी परमात्मा कह रही है ब्रह्म को और जाप के बता रही है कि उस अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर अविनाशी परमात्मा की भक्ति कर। वो परवण धनुष है, ओम तो धनुष है, जीवात्मा स्मरण करे, ओम का जाप और ब्रह्म को लक्ष्य बना ले। ये ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा मान रहे थे ये, और ओम इसका जाप मान लिया, पर निष्कर्ष निकाल लिया। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ, ये छोड़ो यहां आ जाते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप करो और ब्रह्म को पा जाओगे। ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा भी कह रहे कि तो परब्रह्म भी कह रही है और ब्रह्म भी कह रही है, उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह ये सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ऊपर ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म, उसका ओम मंत्र है और उसको अक्षर ब्रह्म भी कह रही है। अब ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं विष्णु जी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान और जगत प्रभु सब देवताओं का देवता, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को जानता ही नहीं, इस तक कोई भगवान को ना देवता को नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम जाप है उसका, और कोई पूजा मत कर, सब साधना छोड़ दे, अपनी भी साधना को मना करती है कि सब बातों को त्याग दे, सब मंत्रों को त्याग दे, सब पूजाओं को त्याग दे। और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी प्राणी
सभी लोग पुनरावृत्ति में वहां जाने के बाद भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी धर्म 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता के अन्नदाता ब्रह्म जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, वो कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका जो उच्चारण करते हुए स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देम सयाति परमाम गतिम। जो इसका जाप करता हुआ मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। लेकिन फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सास सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो प्रश्न किया था किम तत्ब्रह्म, वो कौन तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि वो तत्ब्रह्म कौन है प्रभु जिसके बारे में आप बताते हैं, उसकी जानकारी होने के बाद फिर कोई यहां रहना नहीं चाहता। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म कह रहे हो परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान ने नहीं जानता, और दुर्गा कह ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म कह वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इन देवताओं के इन सतियों के ब्राह्मणा का और झाड़ा दिखा दूं आपको, ये वही देवी भागवत है, देखिएगा ये वही देवी भागवत है जो आपको अभी दिखाया था। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 414 पृष्ठ पे छठा सकंद, 562 में आपने सातवां सकंद पढ़ा था, ये छठा सकंद 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में, ये जन्मेजय राजा परीक्षित का बेटा था, महाभाग किस युग में धर्म का कैसा स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, ये राइटर ऑफ पुराण वेद एंड गीता जी व्यास जी ने क्या उत्तर दिया, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, यानी दुर्गा की पूजा करते थे, भगवती का मन दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था, प्रत्येक गांव में दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, शक्ति का मंदिर का उद्घाटन हो, ये इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। ये उड़े तलठ गाड रखे ना सतयुग तो मंदिर बनवान का, ये वहीं से बात बिगड़ती आ रही है। यहां लिखा है कि धर्म की यही सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया था, सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में द्वापर सतयुग त्रेता में जो राक्षस समझे जाते थे वे अब कलयुग में ब्राह्मण माने जाते, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना झूठ बोलना और धर्म वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना उन कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्मा दास ने दो शब्द बोले थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं, और इनको वेदों का ज्ञान नहीं, दुर्गा को भी वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं। इतने इस थोड़े से सेंटेंस को सिद्ध करने के लिए इतने ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यो ज्ञान घनावल जा दिया। कहते हैं कबीर परमेश्वर ने कहा था नौमन सूत उड़ जिया और ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुड़ जा दे उड़ जाना दूजी बार। एक किलो सूत युग धागे वार दे कच्चा सूत होता था, उड़ जा तो सारा दिन लाग जाए जुलाहे का, परमात्मा ने बेरा था। कहते हैं नौमन सूत उड़ जा 360 किलो शेर, उसको सुलझाने में कितना समय लगे। कहते हैं नौमन सूत उड़ जा दिया, अज्ञानियों ने उल्टे सुलटी दंत कथा सुना के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और अपने अनुभव की बातें बता के वेदों के विरुद्ध ज्ञान देख, यो नौमन सूत उलझ गया ऋषि रहे झकमार, इनना मेरा कौन देव पूजा के योग्य है, कौन पूर्ण परमात्मा है, कैसी सृष्टि रची गई थी।
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब यू तत्व ज्ञान ऐसा सुलझा दिया जाएगा सदग्रंथों को, इस कलयुग में नहीं उलझेगा भी। और जिन भक्ति चाहिए उनका बेड़ा पार होगा पुण्यात्माओं का। अब ये एक और थोड़ा सा प्रकरण रहेगा, फिर मां विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये और दिखाते। यही दुर्गा प्राण है, ये वही दुर्गा प्राण है, देवी प्राण जो अभी आपको दिखाई थी। इसके तीसरे सकंद में पुण्यात्मा या लालटेन दिखानी घनी जरूरी है, नहीं तो एक शब्द भी कोई सुन नहीं सकता, इतना ज्ञान भर गया प्राणी में। 123 पृष्ठ पर अब विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कौन है ये सिद्ध हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है ये सिद्ध हो रहा है। शंकर भगवान कह रहे कि फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा शंकर विष्णु एवं शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आज साहिब 2 घंटे के सत्संग का जो निष्कर्ष है वो ये बताना था दास का कि गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी अनुतम क्यों बता रहा है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, अब देखिएगा जयदयाल गोविंद का इसके राइटर अनुवाद करता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये वही है प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये 7वां अध्याय है, इसको 12 से दिखाते हैं। अब आपने ये भी सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, 12वें श्लोक में कहा है और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तुम मुझसे होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी है, यह देखना। इन तीन गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इनमें इन्हीं के ऊपर आसक्त है ब्रह्मा विष्णु महेश पर। इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते, यानी मेरी भी पूजा को ये नहीं जानते। 14वें श्लोक में कहा है क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया गया जाल ये बड़ी दुष्टर है, परंतु जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं ब्रह्म साधना करते हैं वो इस माया से का उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, इनसे और ऊपर का लाभ मिल जाता है। इतनी सी बात है, अब 15वें में तोड़ कर दिया है। इस त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है, इनका आगे कोई सुनना नहीं चाहते, जिनका इस ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है इन्हीं की पूजा में आ सकते हैं। आसुर स्वभाव को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ये दूषित कर्म करने वाले मूड लोग मूर्ख 4 गाली दे रखी है
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझको नहीं भजते। यानी को भजने की चीज से वो तीन और है, और कहते हैं इन मुर्जे रहे मेरी भक्ति ना करते। अब यहां बताया है मेरी भक्ति भी चार प्रकार के करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले सुकृति ने, यानी जो ब्रह्म तक ब्रह्म से साधना शुरू होती है वो उत्तम कर्म माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भगत जन मुझको बजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करते हैं। सत्रहवें में कहा है तेसाम, यानी उनमत है, उनमें से ज्ञानी आत्मा तो उनमें से नित मुझ में अनन्य प्रेम भाव भक्ति प्रेमी प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त विशेष यानी अति उत्तम है, क्योंकि वह तत्व से मुझ जानने वाला ज्ञानी, उस ज्ञानी को मैं पसंद हूँ, अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। अठारहवें में क्या कहा है कि चौथे जो ज्ञानी हैं वो है तो उद्दार आत्मा सारी की सारी, सर्वे उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्तित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम अनुतमाम अनुतमाम माने कति घटिया, मेरे वाली माम माने मुझ में मेरे वाली गति अनुतमाम गतिम। इन्होंने कहा ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है नहीं, फिर भी कहते हैं ये मेरा मत है, मेरा ज्ञान है, मेरा अनुभव है, क्योंकि वह मद मनबुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अनुत्तम माने अति उत्तम कर दिया रे तेरा गजब भैयो चौड़े में झूठ बोल रखी। अनुतमाम अति अति अश्रेष्ठ लिखना चाहिए था, अति अश्रेष्ठ अति अनुतम मेरे गति रूप स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। इसमें देखना उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मे माने मेरे, मतम माने मेरे विचार से, मेरी मेरे विचार में, एते माने ये जो ज्ञानी चारों में से ज्ञानी है जो, वो सभी की सभी उद्दार आत्मा अच्छी आत्मा है। उद्दार सर्वे एव ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा सारी की सारी अच्छी आत्मा है, उद्दार है, भगवान के लिए समर्पित है, ये मेरा मत है। आस्तित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम, वो मुझ मेरे वाली अनुतम गति में ओम नाम से मिलने वाले लाभ वाली स्थिति में उसी में आस्थित है माने आश्रित है, आस्थित है माने आश्रित है, अच्छी प्रकार स्थित है, आश्रित है, इसका अर्थ है वो मेरे वाली ही गति में सेट हुए बैठे हैं। ओम नाम के जाप से आगे वह को नहीं जानते, और ये भी कहते हैं मेरे वाली घटिया अनुतम अनुतमाम सतगति में विराजमान है, सचित हैं, इस पर आश्रित हैं, इसी में लीन है। अपुनात्माओं अपने वाली गति को ओम नाम के जाप से भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ये स्पष्ट करते हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और पुण्यात्माओं सतगुरु जब मिल जाता है तो जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नष्ट हो जाता है। पुण्यात्माओं ये सर्दी का मौसम और परमात्मा की कृपा से आपको है बढ़िया देसी घी का प्रसाद खिला के बैठा रहे, खैर जाइ उड़ा के। पहले हम सांग देखने जाया करते कितनी सर्दी होती, दिन में घर का काम करते, स्कूल में जाते, स्कूल में ताकि खेत ख्यात का जो कार्य होता जिसे व्यवसाय था किसान घर में जन्म होने से वो धंधा करते, रात में सांग देखने जाते रात्रि में,
और एक पतली सी चादर होया करती पहले इसकी खद्दर की, कौन कंबल दे था भारत, उस समय इतनी अच्छी हालत नहीं थी क्योंकि तुरंत आजाद हुआ ही था। वह ओढ़ के चादर और बैठ जाती वहां जाके, कहा जा गधे बैठे रोए तुम, और सारी रात दांदरे काटे जाते, बकवाद सुने जाते, अटनुठुठरे जाते, कति नहीं उठते उठते पूरा सुनकर चलेंगे। और यहाँ सारी सुविधा आपको, तो दास चाहता है कि आपने घने तगना दूध पिया दू, जैसे बालक ने दूध पिला कर दादा ताऊ काका पिता माता, अपना भी दूध पी, और बच्चा पी का आया और अपना दूध जो कह ले बेटा थोड़ा सा और पी ले, पिए पिए लो थोड़ा पी ले, उन्हें पता है कि दूध अच्छा पियोगा जल्दी तो स्वस्थ और बढ़ेगा शरीर इसका, शीघ्र युवा हो जाएगा। ये दास चाहता है कि आपको गणित गणा ज्ञान से ठोक दूं, क्योंकि कदे कदे सूट बैठे आपका काल के कैद से, जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी, किसी की एक दिन की, किसी की दो दिन की, किसी की एक रात रात की, उसे कोई बात नहीं, जितना भी समय मिला दास का उद्देश्य यही रहता है कि उसमें भी इतना ज्ञान दे दूं कि कई दिन ताई ये बच्चा पुण्यात्मा तृप्त रहे और भूख लगे जो फिर भाग गया वे। तो ये इसलिए थोड़ा सा सत्संग को लंबा खींचना चाहता है दास, 10-20 मिनट और आप ध्यान से सुनना। सो का तकरा कितना जीवन खो दिया हमने, सोया पड़के सो जाते तड़के उठते भाग लेते हैं, पहला फिल्म लिया करते रात ने, VCR लिया करते, तीन तीन फिल्म ले आते, तीन तीन घंटे की सारी रात जागे जाते, चाह पिए जाते, हो यू देखी जाते आँख पाड़े और कुछ लेना देना। अरे ये अमृत वर्षा भगवान की वाणी का, अब ये सिद्ध करना शेष रह गया कि इसने अनुतमाम क्यों बताई अपनी साधना को। एक तो ये क्लियर हो गया, अनुतम इसलिए बतावा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, असंख्य जन्म मृत्यु होगी, यानी अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा, वह वेद के तात्पर्य से जानने वाला है। ये पहचान है तत्वदर्शी संत की। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्त मिलने के बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उलझी हुई गुत्थी को काट के, अर्थात इसको अच्छी तरह समझ कर, इस ज्ञान को उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी प्राणी लौट कर संसार में नहीं आते, यानी उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो अब ये भी तो ज्ञान गीता जी में लिखा है कि कोई और भगवान है और ही साधना है उसकी, बताने वाला भी कोई अन्य है जो गीता में वर्णित नहीं है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। तो ऐसा भी है कि पूर्ण मोक्ष होता है और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं, एक जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। एक ऋषभ देव जी राजा थे, फिर उनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जी मिले थे। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पैताल, कह कबीर ढूंढता करूं अपने हीरे मोती लाल। तो वहां पर क्योंकि ये वेदों के जानकार होते थे, ब्राह्मण लोग वेदों से ज्ञान देते थे, वो कहा करते थे कि वेदों में, ऋषभ देव जी को यह बात फिट हो रही थी कि कोई कवि नाम का भगवान है, वेदों में लिखा कवि, और वही पूर्ण ज्ञानी है, वही सच्चा ज्ञान देने आता है। तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी, कबीर देव, उस ऋषभ देव जी को मिले। लेकिन हम सभी की बुद्धि में ये समा रखा है नकली गुरुओं ने कि परमात्मा निराकार है। कबीर परमेश्वर आए, कहते हैं ऋषभ देव के आइया कवि नाम में करतार, वो परमात्मा उस कवि नाम धर के आया वहां पर कि मैं हूं वो कवि जिसने तुम वेदों में कवि कहते हो,
लेकिन ऋषभ देव जी ज्ञान से प्रभावित तो हो गए, लेकिन परमात्मा की बात और मंत्र ज्ञान सुना नहीं। इतने प्रभावित हो गए कि राज त्याग दिया। 101 पुत्र थे उनके, तो उनको सबको अलग अलग शासन देकर आप भक्ति करने लगे, क्योंकि ऋषियों ने बताया कि झूठ बोलता ये कवि, इसको नहीं ज्ञान है। तो ऋषभ देव जी ने उन ऋषियों की बातों को मानकर हठ योग रोम नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। 1000 वर्ष तक निराहार रह करके साधना की। जब अपनी वो साधना समाप्त की, सबसे पहले अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को अपना शिष्य बनाया, और मारीची ओम का जाप करते थे और हठ योग करते थे। उस मारीची के जीव की फिर के बिरान मट्टी हुई, कितनी दुर्गति हुई उस ओम नाम के जाप तक, उसके कितने कष्ट उठाने पड़े। इसलिए वेदों में ये वेद ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दाता कहता मेरी साधना भी अनुतमाम है। ये देखिएगा, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, प्रवीण चंद जैन एम ए शास्त्री। ये कहाँ से प्रकाशित है? आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एम ए शास्त्री, जम्बू द्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप हस्तिनापुर मेरठ में उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ से मुद्रित है? दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ। फोन नंबर ये इतना इनका। इस पे आपको दिखाते हैं 293 पे चलते हैं। विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, पांच नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अच्छा, यह प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर, पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी भील तकते न वैराग्य का पता नहीं भील था, वहां से शुरू हुआ। पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा झील की प्रिया से कहा गया। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।